Assalamu alaikum viewers. In this question we have given three sides and required hai to construct the triangle ABC with given information. Given information dekhen to sabse pehle hume measure AB is equal to 3.2 cm given hai. To sabse pehle hum line segment measure AB 3.2 cm draw karenge. Yahan par humne do points laga liye jinke darmiyan faasla 3.2 cm hai. In points ko mila diya. और लेबल कर देंगे इनको ए बी के नाम से पॉइंट ए और पॉइंट बी और ये लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर और यहां पर हम लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजर ए बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर. अब हम देखें अगर तो सी ए 5.2 सेंटीमीटर है तो अगर हम पॉइंट ए को मरकज माने तो हमें सी ए इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो हम यहां पर एक आर्क ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है और यहां पर हम लिख लेंगे विद ए एज सेंटर एंड रेडियस मेजर सी ए इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क. इसी तरह अगर हम पॉइंट बी को देखें तो क्योंकि बी सी लेंथ इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर है तो हमें बी को मरकज मानकर 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी जो पहली आर्क को एट पॉइंट सी इंटरसेक्ट करेगी. इस पॉइंट को अगर हम सी कह दें तो यहां पर हमने लिखा हुआ है विद बी एज सेंटर एंड रेडियस मेजर बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट सी. अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्राइंगल को हमें ए को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा और इसी तरह बी को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा. ऐसा करने से हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और यहां पर हमारा लास्ट स्टेप था ज्वाइन ए सी यानी कि ए को सी से ज्वाइन किया एंड बी सी टू कंप्लीट द ट्राइंगल ए बी सी. अभी हमने इसको लेबल भी करना है क्योंकि हमने ए सी आर्क जो लगाई थी वो 5.2 सेंटीमीटर थी. यहां पर हम लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर. इसी तरह बी सी जो आर्क हमने लगाई थी वो 4.2 सेंटीमीटर थी तो यहां पर हम लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर. इस तरह हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई.